गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर बीना तिवारी फुलारा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंट साइंस, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक लेक्चर, पर्यावरण अध्ययन की बहुउद्देशीय प्रकृति के बारे में मैं बात करूँगी। ये आपका फंडामेंटल कोर्स है FES 10, जो BA, BBA, BCA कई सारे कोर्सेज में आपका फंडामेंटल कोर्स है, जिसका फर्स्ट यूनिट है पर्यावरण अध्ययन की बहुउद्देशीय प्रकृति। आपके आपके पास आपकी बुक्स होंगी जिसका फर्स्ट यूनिट है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके आपसे आज डिस्कशन करूँगी। सो वेलकम। सबसे पहले बात करते हैं इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट यानी आपका पर्यावरण। पर्यावरण एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सीधे सारे शब्दों में अगर कहूँ तो पर्यावरण है आपकी सराउंडिंग्स, यानी आपके चारों ओर जो कुछ भी है, दैट इज़ योर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट अगर मैं प्रॉपरली एक डेफिनेशन की तरफ जाऊँ तो मैं कहूँगी, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, आपके बुक्स में भी हैं, तो पहले मैं बेसिक थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगी कि इन्वायरमेंट एक्चुअल में होता क्या है। ये आपका आपके आसपास जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन लिविंग यानी आपके जैविक अजैविक, जो भी सजीव और निर्जीव, जो भी आपके आसपास तत्व प्रेजेंट हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपके फॉरेस्ट भी आते हैं, जिसमें आपके माइन्यूट क्रीचर्स भी आते हैं, बायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं, नॉन एबायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं, ये सारे जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जब इंटरैक्ट करते हैं और आपकी सराउंडिंग फॉर्म करते हैं, तो उसे कहते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट में मेनली आपका जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग बींग्स जितने भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉइल है, वाटर है, लैंड, टेम्परेचर, लाइट, ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक सराउंडिंग्स फॉर्म करते हैं, जिसको एनवायरनमेंट करते हैं। प्रॉपरली अगर डेफिनेशन की तरफ हम जाते हैं तो ये कहता है कि सम टोटल ऑफ ऑल द सराउंडिंग्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग नेचुरल एंड अदर लिविंग थिंग्स। ये आपकी जस्ट एक डेफिनेशन है जो आपकी बुक्स में प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में आया कहाँ से कि आपका इन्वायरमेंट क्या होता है। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करूँ तो इन्वायरमेंट जो है शब्द फ्रेंच वर्ड से बना है इन्वायरन, जिसका मतलब होता है आपकी सराउंडिंग्स। ठीक है, सो हमारा जो मेनली कॉन्सेप्ट आया, जो UN की कॉन्फ्रेंस है रियो डी जेनेरियो, आपने नाम सुना होगा, यूनाइटेड स्टेट की एक कॉन्फ्रेंस है जो हेल्ड हुई थी आपके रियो डी जेनेरियो में इन 1992, जहां से मेनली फोकस हुआ आपके इन्वायरमेंट के बारे में, यानी लोगों ने चिंता शुरू की कि हमें अपने पर्यावरण को देखना होगा, हमें अपने पर्यावरण के लिए थोड़ा सा कुछ सोचना होगा। और जो इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जहाँ बात की, यानी जहाँ पर चिंता जाहिर की इस UN की कॉन्फ्रेंस में जो हुई थी 2002 में जोहान्सबर्ग में, ये कि मेनली अब हमें पर्यावरण के बारे में प्लस उसके सतत विकास के बारे में सोचना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास अगर मैं कहूँ तो सतत विकास क्या होता है कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को क्या दे रहे हैं। हमारे पास प्रेजेंट में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है, आगे फर्दर हम बात करेंगे इसमें, बट अभी प्रेजेंटली मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ कि नेचुरल रिसोर्सेज एक्चुअल में क्या है, जो नेचर में हमें प्रोवाइड किए हैं, जो नेचर ने हमें खुद ब खुद दिया है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम उसको यूज़ करते जाएं और कभी भी ख़त्म ना हो, ऐसा नहीं है। एक टाइम आएगा जब वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे, तो उसी को हमने किस तरह से कंट्रोल्ड मैनर में यूज़ करना है ताकि वो ख़त्म ना हो, उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास हमारा ये है। तो इन दोनों चीज़ों का कंसेप्ट जो मेनली आया, सबसे पहले 1992 में लोगों को चिंता सताने लगी कि हमारा एनवायरनमेंट जो है अब खतरे में है, यानी पहला जो अलार्मिंग स्टेज आपकी थी रियो डी सिनेरियो से शुरू हुआ। UN की कॉन्फ्रेंस में बात उठी कि एनवायरनमेंट को अब हमें थोड़ा सा संभालना होगा, बचाना होगा, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें, यानी अपनी फ्यूचर जनरेशन को अपने नेचुरल एनवायरनमेंट, आपके नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, सो जो आपका चैप्टर है कहता है, ये कहता है पर्यावरण अध्ययन एक बहुउद्देशीय प्रकृति, अब ये बहुशास्त्रीय प्रकृति, सॉरी, यानी उसका मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। क्या मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का, मैंने अभी आपसे कहा कि आपका एनवायरनमेंट मतलब आपकी सराउंडिंग्स, यानी सराउंडिंग्स में सब कुछ है, आपकी इकोलॉजी है, आपका बायोलॉजी है, आपकी केमिस्ट्री है, आपकी फिजिक्स है, सराउंडिंग में सब कुछ है,
आपका इतिहास भी है, आपका भूगोल भी है, आपका विज्ञान भी है, आपकी कला भी है, इंजीनियरिंग भी है, एंटरटेनमेंट भी है, इकोनॉमिक्स भी है, आपकी कल्चर एथिक्स भी हैं। इसीलिए कहा कि पर्यावरण आपका मल्टी डिसिप्लिनरी होता है नेचर में, यानी उसका उसके जो पर्टिकुलर डिसिप्लिन कोई एक फोकस नहीं होता, उसकी कई सारी ब्रांचेस हैं, आप किसी भी फॉर्म में उसको स्टडी कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी क्या क्या उसके तत्व होते हैं। तो पहला है आपका फिजिकल एलिमेंट, सेकंड आपका बायोलॉजिकल एलिमेंट, और तीसरा होता है आपका कल्चरल एलिमेंट। फिजिकल मतलब भौतिक तत्व, भौतिक तत्व मतलब अगर बहुत बहुत सीधे साधे शब्दों में कहूँ तो जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, यानी आपका लैंड फॉर्म, आपको मिट्टी दिखाई देती है, आपको पहाड़ दिखाई देते हैं, आपको खनिज तत्व दिखाई देते हैं, आपको स्पेस दिखाई देती है, पानी दिखाई देता है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है एलिमेंट, वो फिजिकल एलिमेंट है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। बायोलॉजिकल यानी जैविक तत्व क्या हुए, यानी जो जीवित है, यानी आपके पेड़ पौधे, आपके जानवर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, जैसे आपने कहा बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सब चीज़ें जो बहुत छोटे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं जो आपको बहुत छोटे से फॉर्म में हैं, और ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स यानी हम सब। देन थर्ड इम्पॉर्टेंट है बट हम कई बार इसको इग्नोर करते हैं, कल्चरल एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चरल एलिमेंट्स यानी आपका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, आपका सोशल स्टेटस कैसा है, पॉलिटिकल एलिमेंट्स, या ये सारे आपके मैन मेड फीचर्स है। एक तरह से कहना चाहिए कि कल्चरल जो एलिमेंट है वो आपके मैन मेड हैं, ये नेचर में नहीं है, ये हमने बनाए हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आता है कि इन्वायरमेंट को आप किस ने फॉर्म्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट हमारा मेनली थ्री टाइप से कैटेगराइज है, फर्स्ट आपका बिल्ट एनवायरनमेंट, सेकंड नेचुरल एनवायरनमेंट, एंड थर्ड वन इज सोशल एलिमेंट। बिल्ट एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो आपने बनाया है, इसका दूसरा नाम आपका मैन मेड एनवायरनमेंट भी हम इसको कह सकते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट मैं आगे फर्दर इसका डिटेल में बात करूंगी अभी। नेचुरल एनवायरनमेंट मींस जो नेचर में इटसेल्फ है, जो नेचर ने फ्री ऑफ कॉस्ट हम सबको दिया है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट है। सोशल एनवायरनमेंट यानी आपके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जो हम अपनी सराउंडिंग्स में अपने आसपास क्रिएट कर देते हैं, एक तरह से ये भी एक मैन मेड एनवायरनमेंट भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड एनवायरनमेंट, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, हम मैंने इसमें कुछ बिल्डिंग्स, रेलवे ट्रैक्स वगैरह शो किए हैं। तो नेचुरल जो बिल्ट एनवायरनमेंट है या मैन मेड एनवायरनमेंट है, किस तरह से उसका शेप आता है, तो उसका मेनली सबसे पहला है आपका क्लाइमेट एंड जियोलॉजी। क्लाइमेट एंड जियोलॉजी मतलब आपके आसपास जिस तरह का क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सराउंडिंग्स को चेंज करते हैं। जैसे जहाँ पर बहुत ठंडा है हम क्या करेंगे, वहाँ पर आपकी सराउंडिंग्स में हम कुछ इस तरह का करेंगे कि आपको आपके टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए हेल्प मिले। आपकी अगर रॉकी सॉइल है वहाँ पर, तो इस तरह की वेजिटेशंस आप ग्रो करेंगे जो उस रॉकी एरिया में ग्रो कर जाए। यानी जियोलॉजी या क्लाइमेट से आपकी सराउंडिंग चेंज होगी, आपके सराउंडिंग्स में प्लांट चेंज होंगे। अगर मैं प्योरली इन्वायरमेंट के टर्म पे बात करूँ, तो क्लाइमेट अगर कोल्ड है तो अलग तरह की वेजिटेशन होगी, क्लाइमेट अगर हॉट है तो वेजिटेशन अलग तरह की होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इकोनॉमी, इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए आपका अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन करने के लिए आप जो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं उसे कहेंगे आप इकोनॉमी के बेसिस पे। गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी एनवायरनमेंट को बिल्ड करने में या मैन मेड एनवायरनमेंट फॉर्म करने में। कैसे इंपॉर्टेंट रोल है, देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पॉलिसीज को बनाने के लिए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करती है। तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का मतलब कहीं पर आपके रोड कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कहीं पर रेलवे ट्रैक्स आपके लगते हैं, कहीं पर डैम बनते हैं, कहीं पर ब्रिज बनते हैं। तो ये जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है इनसे भी आपका एनवायरनमेंट क्या होता है, क्रिएट होता है। देन कल्चर एंड फैशन, इम्पॉर्टेंटली हम सब इसी समाज का हिस्सा है, तो हम क्या करते हैं, आपने देखा कि आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति ही रह रहा है। कल्चर एंड फैशन की अगर मैं बात करूँ, एक तो आपका कल्चर, हम पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी में हैं और उस कम्युनिटी का अपना एक कल्चर है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने फेस्टिवल्स में फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, या हम उन फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग अपनी सराउंडिंग को चेंज करते हैं। फैशन यानी आप फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि 10 परिवार एक साथ रहते हैं और किसी एक फैमिली का
लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है और उनके अकॉर्डिंग आप अपने में एडप्टेशन, आपको उनका रहना, उनका खाना, उनका पहनना आपको अच्छा लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आप अपने आप में चेंज करते हैं, आप उस तरह का करना कर नहीं सक रहे हैं लेकिन फिर भी आप करना चाहते हैं, कुछ कुछ चीज़ें आप अडप्ट करते हैं, तो वो फैशन टेक्नोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज के टाइम में अगर देखें एनिशियंट टाइम और आज के टाइम में हम कंपेयर करें तो हम सब टेक्नोलॉजी के गुलाम हैं, यानी टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम बहुत कुछ चीज़ें अपने आसपास चेंज कर रहे हैं। अगर बहुत पहले की बात करूं तो लोगों के घर में या कहना चाहिए कि एक एरिया में एक आध टेलीविज़न हुआ करते थे, आज देखिए आप हर किसी के घर में है, वो अफोर्ड नहीं भी कर पा रहे तो EMI में ही तब भी लेंगे लेकिन लेंगे, तो इस तरह का। देन नेक्स्ट आता है कस्टमर्स। अब ये कस्टमर्स वहाँ पर है जहाँ पर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। बिल्ट एनवायरनमेंट केवल हम अपने लिए नहीं बिल्ड करते हैं, हम अपनी सराउंडिंग्स के लिए भी बिल्ड कर रहे हैं, यानी कस्टमर्स की जब मैं बात करूँ तो कस्टमर्स मीन्स ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर एरिया के लोग अपने लाइवलीहुड जनरेशन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कोई काम कर रहे हैं, जैसे अभी अगर प्रेजेंट सिनेरियो में बात करूं, मैं अभी उत्तराखंड में हूं तो मैं यहीं का एग्जांपल लेके आपको बात करूंगी। अगर हमारे नियर बाय में एक रामगढ़ और मुक्तेश्वर आपने अगर सुने होंगे तो वो एरिया की मैं बात करूं तो पहले वहां पर लोग जनरली फ्रूट कल्टिवेशन का फ्रूट बेल्ट है तो वहाँ उसी से अपना लाइवलीहुड जनरेशन उनका होता था, यानी जीवन यापन वो करते थे। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखिए उन्होंने क्या कर दिया, अपनी लैंड जो भी उनकी थी उसमें कंस्ट्रक्शन कर दिया और अब उन्होंने क्या कर दिया, गेस्ट हाउस टाइप के बना दिया, तो टूरिस्ट सीजन में वो उससे ही इतना अच्छा अर्न कर लेते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो ये कस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर नीड, ऐसा नहीं है कि लोग फ्रूट्स को ग्रो करना ही लोगों ने बंद कर दिया, लेकिन कुछ हद तक वो मोटिवेट हुए इस तरफ को मूव करने में क्योंकि उनको सिंगल इनपुट में आउटपुट अच्छा मिल रहा है तो वो ये सब चीज़ें करने लगे। देन नेक्स्ट आपका नेचुरल एनवायरनमेंट, बहुत बेसिक सा है, सब आप सब जानते हैं, नेचुरल मीन्स प्रकृति ने जो हमें दिया है वो वाला एनवायरनमेंट, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट, इसमें वो सारी चीज़ें आएंगी जो नेचर ने हमें दी हैं। अब यानी नेचर ने हमें क्या दिए हैं, लिविंग बींग्स भी आएंगे और नॉन लिविंग थिंग्स भी आएंगे, यानी सजीव निर्जीव दोनों चीज़ें आएंगी जो भी अर्थ में हैं, यानी आपके अर्थ में जो कुछ भी है वो सब आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है। इसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पर कोई चीज़ रहती है, जो आपका ओरिजिनल प्लेस होता है, उसका लिविंग प्लेस होता है, उसको कहते हैं हैबिटेट। ठीक है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट एक तरह से हम सबका हैबिटेट है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें, अब आप मैंने आपसे कहा कि नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है उसमें सब कुछ होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो ये आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे इसका नाम है, फर्स्ट आपका लिथोस्फेयर, सेकंड इज हाइड्रोस्फेयर, थर्ड इज एटमॉस्फेयर एंड फोर्थ इज बायोस्फेयर। सो लिथोस्फेयर क्या है, लिथोस्फेयर मीन्स लैंड, आपको याद करने के लिए थोड़ा सा इजी होगा अगर आप इसको थोड़ा सा कंपैरेटिव देख लें। लिथोस्फेयर मीन्स लैंड, यानी आपका जो भी प्लैनेट की जो रिजिड आउटर मोस्ट शेल है उसे कहते हैं लिथोस्फेयर। इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उसको लिथोस्फेयर कहा, जनरली ये लैंड से रिलेटेड है, यानी रिजिड आउटर मोस्ट शेल किसी भी रॉकी प्लैनेट का होता है लिथोस्फेयर। देन हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो यानी वाटर का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो H2O होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनती है, तो हाइड्रोस्फेयर क्या है आपका, आपको याद करने के लिए आसान हो इसलिए मैं बता रही हूँ, हाइड्रोस्फेयर मीन्स जहाँ पर हम बात करते हैं वाटर की। ठीक है, हाइड्रोस्फेयर कॉम्बिनेशन मास, कंबाइंड मास ऑफ वाटर ऑन फाउंड ऑन, अब कहाँ कहाँ, अब वाटर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो ओशन में हो सकता है, वो रिवर में हो सकता है, वो लेक में हो सकता है, पॉन्ड में, रेन के फॉर्म में, स्प्रिंग्स में, जहाँ पर भी आपका अर्थ है, अर्थ में जहाँ पर भी वाटर है वो आपका हाइड्रोस्फेयर है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज योर एटमोसफियर। एटमोसफियर आपकी सराउंडिंग्स में जो एक गैसेस की लेयर होती है प्लैनेट में, यानी अर्थ में जो भी आपकी एक लेयर होती है गैसेस की, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये अर्थ में जो भी लिविंग बींग्स हैं उन तक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को आने से रोकता है। अब क्या ज़रूरत है, अगर सारी की सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ में आ जाती तो क्या होता,
आपने सुना होगा, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें तो बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। पहली चीज़ तो ये कि कैंसर बहुत ज़्यादा, कैंसर के मरीज जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हैं बहुत नुकसान करते हैं, ये सब सुना है ना। तो डायरेक्टली अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ को रीच करती तो जितने भी लिविंग बींग्स होते उनके जीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, उनके लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। ग्लोबल वार्मिंग होती, जो अभी आप काफ़ी सारी चीज़ें ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, जो क्लाइमेट चेंज, आप ये सब चीज़ें अब आप ये चीज़ें फील कर रहे हो, ये चीज़ें पहले ही होती, ये पहले ही होती अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता। तो एटमॉस्फेयर की हेल्प से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक लेयर, अगर थोड़ा सा मैं फिजिक्स में जाऊँ तो क्या होता है, किसी भी कंडेंस और अपने दो तरह के आपके मीडियम होते हैं लेयर, आपका जो अर्थ से सोलर रेडिएशन आती है वो अपने ही रास्ते में वापस चली जाती है। तो ये जितना वापस जाती है 42%, एक टर्म यूज़ होती है एल्बिडो, ALBEDO, एल्बिडो, कहीं पे आपने सुना नहीं भी है तो आप सुनिए, ध्यान रखिए इसको, कि एल्बिडो क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो 42% अर्थ से वापस जाती है उसे एल्बिडो कहते हैं। और एल्बिडो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अर्थ को वार्मिंग से बचा रही है, जितना वापस जाएगा तो बचेगा, ठीक है। टेम्परेचर का जो वेरिएशन है उससे दिन और रात भी होते हैं, आपने ये सुना है आपकी बेसिक क्लासेस में। देन इज योर बायोस्फीयर, बायोस्फीयर एक्चुअल में क्या है, द ग्लोबल सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम, जितने भी इकोसिस्टम, आगे पढ़ेंगे परितंत्र, परितंत्र क्या होता है नेक्स्ट मेरी क्लास में मैं बात करूँगी, पर फिलहाल जो बायोस्फीयर कहा, यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि अर्थ में जो लाइफ का जोन होता है वो है आपका बायोस्फीयर, यानी लाइफ जहाँ पर प्रेजेंट रहती है उसे बायोस्फीयर कह रहे हैं। एक तरह का क्लोज सिस्टम है जो सेल्फ रेगुलेटरी है, यानी आपस में इसमें बैलेंसिंग इक्वली फॉर्म होती है। आप अगर इस फिगर में देख रहे हैं तो आपका बायोस्फीयर में आप देखेंगे ग्रीन प्लांट, एक ट्री बना हुआ है, देन लिथोस्फीयर, थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज कलर का आपका लिथोस्फीयर होगा, देन स्काई में देखिए एटमॉस्फेयर, और नीचे आपका लास्ट में देखिएगा हाइड्रोस्फीयर। तो चारों ही स्फीयर आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं किस तरह से हैं होते हैं। देन हम फर्स्ट हमने बिल्ट एनवायरनमेंट की बात की थी, सेकंड हमने नेचुरल एनवायरनमेंट, द थर्ड वन इज सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट की बात करूँ तो फिजिकल एंड सोशल सेटिंग मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता चुके हूँ, यानी हम अपनी जब हम जहाँ पर हम रहते हैं हम अपने सोसाइटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जो भी डेवलपमेंट करते हैं, जो चीज़ें करते हैं, इसमें एजुकेशन आती है, आपका लिविंग पैटर्न आता है, ये सब चीज़ें जो भी हम आपके थ्रू द मीडिया, यहाँ पे कम्युनिकेशन मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटल इन्वायरमेंट पे, सोशल इन्वायरमेंट फॉर्म करने में। तो ये यानी आपने अपने सोसाइटल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जिस तरह के भी डेवलपमेंटल आप चेंजेस करते हैं वो आते हैं सोशल इन्वायरमेंट में। अब सोशल इन्वायरमेंट की अगर बात करो तो आपका इसमें क्या क्या आएगा, देखिए आपका कल्चर आ गया, आपकी लैंग्वेज हो सकती है, सोशल कंडीशन आपकी कैसी है, हेल्थ है, प्रोफेशन है, लिविंग कंडीशन, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट आते हैं अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो ये मैं आपको शायद बता चुकी हूँ, हमने इन्वायरमेंट की अगर बात की थी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग कि वाई आई शुड नो द इन्वायरमेंट, क्यों ज़रूरत है इन्वायरमेंट की, अगर इन्वायरमेंट के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ तो क्या ज़रूरत है। सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जो मैं आपको कुछ पॉइंट्स की बात कर रही हूँ, तो यूनेस्को ने 1971 में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की जो इम्पोर्टेंस है उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव उन्होंने कहा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका कहता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अमंग द पीपल। सबसे पहले हमें इस चीज़ की ज़रूरत फील होनी चाहिए कि आपको इन्वायरमेंट को क्यों प्रोटेक्ट करना है, अपने लेवल से पता होना चाहिए कि अवेयर करना पहला ऑब्जेक्टिव है, कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपका एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने से क्या होगा। जब हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बड़ी बड़ी बातें करें तो वो चीज़ें तब होंगी जब हम अपने लेवल से कुछ भी करेंगे। सेकेंड थिंग कि एनवायरनमेंट को अगर आप अवेयर नहीं हुए, अगर आपने सबसे पहली चीज़ कि नॉलेज होनी चाहिए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम, आप इसके अगर आपने ये चीज़ नहीं की, आपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं किया तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर एटमॉस्फेरिक लेयर नहीं होती तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्टली हमारे अर्थ को रीच करती और कई सारी बीमारियाँ उसमें होती। तो
एटमॉस्फेयर खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू पॉल्यूशन जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ये अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस हैं, सॉरी अर्थ की जो एटमॉस्फेरिक लेयर है उसमें क्या होने लगे, छोटे छोटे होल्स होने लगे। ठीक है, ये नेक्स्ट आगे बात करेंगे, अगर मैं उसमें जाऊंगी तो फिर बहुत आगे हो जाएगा। ठीक है, सो अगर आपको पता होगा कि वाटर पॉल्यूट करेंगे तो उसका क्या हार्मफुल इम्पैक्ट आपको झेलने पड़ेंगे, तो नेचुरली आप उसके उसको प्रोटेक्ट करना शुरू करेंगे, आप पॉल्यूशन कम करेंगे। अपने अंदर एनवायरमेंट के लिए एक कंसर्न एटीट्यूड डेवलप करना, सिंपल सा एटीट्यूड डेवलप करना कि मुझे पता है कि मुझे कहीं पर गार्बेज डंप नहीं करना है, तो ये मेरे अंदर का एटीट्यूड है। मैं अगर आपसे कहूँ कि नहीं आपको कूड़ा नहीं फैलाना है, आप एक दिन मेरे सामने करेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर एटीट्यूड डेवलप होगा तो आपके वो नेचर में होगा, आप हमेशा करेंगे उसको। ठीक है, यानी नेचर के साथ हार्मोनी मेंटेन करना। अभी आप देखें आपका जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से, आप देखें कि रेनी सीजन में रेन नहीं होती, विंटर्स में हो जाती है, समर्स बहुत ज़्यादा हॉट हो रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हार्मोनी को मेंटेन करना, बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना, अपने आप को बहुत कंफर्ट जोन में नहीं डालना, हार्मोनी मेंटेन करनी होगी। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, अब अगर मैनेजमेंट कहें तो कैसे मैनेज होगा, सबसे पहला आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं उसका जो कंट्रोल यूज़ होना चाहिए। सेकंड, पॉल्यूशन को आप क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे आपने कहा कंट्रोल लिमिटेड सोर्सेज, जैसे आपने कहा बेसिक सी चीज़ें हैं, पानी का नल आपका खुला है, जितना आपका यूज़ करना है आप उतना ही करेंगे, उसके बाद आपने उसको बंद करना है, ये बेसिक चीज़ें। लोगों को एजुकेट करना, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना किसी भी चीज़ को, और जो भी कंसेप्ट आपने कहा कि एटीट्यूड डेवलप करना, तो मेनली आपने अगर एटीट्यूड डेवलप किया है तो आप उस एनवायरमेंट को मैनेज कर सकते हैं अपने लेवल पे। देन नेक्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंटली एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन इंडिया। मैं वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में नहीं जा रही हूँ, सिर्फ इंडिया की बात कर रही हूँ। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इंडिया में कुछ, ये आप लोगों का जो पेपर होगा FES 10, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड की अगर बात करूँ, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में मैंने आपके कुछ पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अब आप देखिए मैं दो टर्म इसमें यूज़ कर रही हूँ, एक तो पॉलिसी और एक एक्ट। ठीक है, पॉलिसी एंड एक्ट, पॉलिसी एक्चुअल में क्या है, एक रिटर्न टाइप का डॉक्यूमेंट है जिसमें कह दिया जाता है कि आपका ये चीज़ें होंगी। ठीक है, पॉलिसी इज द आउटलाइन ऑफ व्हाट अ गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू। ठीक है, सिंपल है कि पॉलिसी वो है, वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ने कहा कि मुझे क्या, मैं आपको क्या करना है, वो पॉलिसी हुई, यानी क्या करना है और क्या क्या करेंगे और क्या इससे अचीव होगा, वो पॉलिसी है। और लॉज क्या होते हैं, लॉ होते हैं जहाँ पर कोई स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है, नियम बन जाते हैं। पॉलिसी में कहा गया कि हाँ ये चीज़ ऐसे की जाएगी तो इससे ऐसा होगा, बट लॉ में कि आपका ये रूल है, सेट स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, यहाँ पर एक फिक्स होता है। सो लॉज जो होते हैं सेट, इसमें स्टैंडर्ड प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर जो होते हैं वो सेट होते हैं जो सोसाइटी को फॉलो करने ही होते हैं, मतलब अगर किसी चीज़ का कोई लॉ बना है तो वो आपको फॉलो करना ही करना है। एक्ट तीसरी चीज़, एक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली आपके पास करती है, और लॉ जो होते हैं वो रूल्स होते हैं एंड रेगुलेशंस होते हैं जो इन्फोर्स बाय द गवर्नमेंट। यानी आपके पॉलिसी एक आउटलाइन डॉक्यूमेंट है, एक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली आपके जो होती है वो पास करती है, और जो लॉ होता है वो इन्फोर्स किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो आपको फॉलो करने ही करने हैं। तो कुछ आपके इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में कुछ लॉज, पॉलिसीज एंड एक्ट्स हैं जिनके बारे में बात कर रही थी। तो पहला नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, सेकंड वन इज़ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एंड थर्ड वन इज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द फोर्थ वन इज़ रिवाइज फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, वाटर पॉलिसी 1987, और इसका जो रिविज़न हुआ है वो पहला हुआ है 2002 में, एंड देन 2012 में। मैंने तीन इसमें लिखे हैं। तो इनिशियली जब ये बनी वाटर पॉलिसी, आप देखेंगे ऊपर एक जगह पे और लिखा हुआ है
वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, वो एक्ट है वो 1974 में बना, ठीक है, और वाटर पॉलिसी आपकी बनी है 1987 में, जिसको रिवाइज किया गया, पहले ये रिविजन हुआ है 2002 में और जो उसके बाद हुआ है 2012 में. देन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो सबसे पहले आया था वो है 1927 में, ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के प्रोटेक्शन के लिए जो बना वो 1972 में. फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इसमें अभी और हैं इसमें, ठीक है. देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी मतलब हमारे सराउंडिंग में जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए जो एक्ट बना है वो है 2002 में. और नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010. नेक्स्ट इज सम इंस्टीट्यूशंस वर्क इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कुछ इंस्टीट्यूशंस जो एनवायरनमेंट के फील्ड में वर्क करते हैं उनके बारे में. ये सिर्फ इंडिया की मैं बात कर रही हूँ. सबसे पहला है आपका BNHS, कभी कभी आपसे फुल फॉर्म और इसकी लोकेशन पूछा जाता है, तो BNHS इज बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. ये आपके फॉर्म हुई थी 1883 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, ठीक है. इनिशियली ये हुई थी 6 मेंबर्स के संग, केवल 6 मेंबर्स थे इसके. इसका जो मेन वर्क था, सबसे पहले था सेव साइलेंट वैली कैंपेन, इन्होंने जो शुरू की थी वो साइलेंट वैली कैंपेन शुरू की थी इन स्टार्ट में. देन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWFI, आई क्यों लिखा है, बिकॉज इट इज़ फॉर इंडिया, इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली में, और ये आपके फॉर्म हुई थी 1969 में, ठीक है, इनिशियली मुंबई में, अब ये आपका फाइनल आपका न्यू दिल्ली में है. देन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE, इसका भी हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है. ये इसका इनकी जो CSE जो है, सेंटर ऑफ फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन निकलती है डाउन टू अर्थ, आप लोगों से काफ़ी सारे लोगों ने शायद ये कभी पढ़ी होगी, डाउन टू अर्थ एक मैगजीन इनकी निकलती है. देन नेक्स्ट वन इज़ बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एज यू नो ये देहरादून में है इसका हेडक्वार्टर, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI. BSI का जो इनिशिएशन था आपका 1890 में ये शुरू हुई, रॉयल बोटानिकल गार्डन कैलकटा से ये शुरू हुआ था. अभी आपका जो इसका हेडक्वार्टर हमारे अगर उत्तराखंड की बात करूँ तो ये देहरादून में है. ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी आपके कैलकटा से शुरू हुई थी. देन द लास्ट वन इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, ये आपका देहरादून में. सो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू सो मच. ये आपका फर्स्ट आपकी फर्स्ट यूनिट थी, आप होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.